हाँ जी प्राइमोर्डियल, इसका मतलब भी यही होता है, स्टार्टिंग कह सकते हैं, ये एडजेक्टिव है, अपने इसको स्टार्टिंग भी कह सकते हैं। एक अपन ने शब्द किया था रूडिमेंट्री, फंडामेंटल रूडिमेंट्री, तो वो भी कह सकते हैं। ठीक है, अपने फंडामेंटल या रूडिमेंट्री भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, सो इसको अपने परी कह सकते हैं, इसको अपने मोर कह सकते हैं, और इसको अपने डायल कह सकते हैं। सो इमेजिन करो कोई एक फोटो है जिसके अंदर एक परी जो है वो मोर पे बैठी हुई है और वो फोन डायल कर रही है। क्या कर रही है? तो मान लो आजकल के कोई जमाने की परी है, आजकल के जमाने को बच्चा भी मान लो जैसे पैदा हो रहा है, तो मान लो उसने वो डायल वाला फोन देखे ही ना, वो क्या कहेगा कि ये मतलब वो परी अपनी वहां से उठी कि मम्मा ये परी क्या कर रही है? तो कहते बेटा ये तब की बात है जब अपने कारों पे नहीं जाते थे या जब परियों के पंख नहीं होते थे, तो मोर के मोर पे बैठ के उठते थे और अपने पास तब फोन भी कौन से होते थे। ये बेटा स्टार्टिंग की बात है और पहले ये सबको आना ही होता था, सबको मोर पे बैठ के सवारी करनी सीखनी पड़ती थी, हमारे बेसिक्स होते थे, हमारे फंडामेंटल होते थे, आजकल की जरूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग के टाइम की फोटो है, तो स्टार्टिंग क्या रह जाएगी इससे। हाँ जी, ये नाउन है और इसका मतलब होता है, वैसे उसको अगर अपने सिंपल भाषा में कहें तो आपने वो एनिग्मा वर्ड सुना हुआ है, एनिग्मा और कौन सा था, हाँ चाहे इसको जो इसको अपने कहते हैं ना जिस चीज का पता ना चल रहा हो, बड़ा बूढ़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या समझ ही ना आ रहा हो, तो चाहे इसको अपने एनिग्मा भी कह देते हैं, एसोटेरिक भी कह देते हैं, ये अपने स्टोरी लगता कराई नहीं। इसके साथ साथ के जो वर्ड हैं वो ये हैं, आर्कीन भी कहते हैं इसको, इसको मिस्टीरियस भी कहते हैं, वैसे तो अगर इसको अपने नाउन मानना है, अगर अपने सारे नाउन मान के चले तो इसको मिस्ट्री कह देते हैं। एक बार मिस्ट्री क्या होती है, भी एक राज है, ये क्यों है कैसे है किसी को पता नहीं है। ठीक है, मिस्ट्री कह लो, एनिग्मा कह लो, आर्केन कह लो, आर्केन तो लिख दिया, एसोटेरिक, एसोटेरिक। ठीक है, इसकी स्टोरी पहले अलग बना रही है, सारे ये ऑल आर नाउन्स। ठीक है, तो पहले इसकी स्टोरी बता रहे हैं आपको। आप लोगों ने कैनन नाम सुना है, कैनन, कैनन का कैमरा आता है, तो इसको अपने क्या बना रहे हैं, कैनन। ठीक है, कैनन को कैमरा मान रहे हैं, और ये तो ड्रम आ ही रहा है। ठीक है, इमेजिन करो आपके पास एक कैमरा है, वो कह रहे हैं फोटो नहीं खींच रहा था, बड़ा पत्थर मार दिया फोटो नहीं खींच रहा, तो किसी छोटे बच्चे ने ऐसे हाथ मारा, तो वो कह रहे इधर एक ड्रम पड़ा था, उस ड्रम में गिर गया, जैसे ही ड्रम से उठाया फोटो खींच ली उसने, फिर जैसे उस दिन पूरा दिन फोटो खींचते रहे, फिर वो अगले दिन कैमरा नहीं चल रहा था, तो आपने फिर ना उसी ड्रम में डाल दिया, ड्रम से निकाला फिर फोटो खींचा है। अब उस कैनन के कैमरे को बार बार ड्रम में ही डालना पड़ता है, जब भी बंद करके चालू करना पड़ता है, ये क्या कहानी है, किसी मिस्त्री को भी आज तक समझ नहीं आई, किसी कारीगर को समझ नहीं आई ये क्या है ये। ठीक है ना, तो कैनन ड्रम बन गया। इधर इधर अपन ने एक कहानी बताई है कि क्या ही आर्किड का भी अपने बता रहे हैं, जैसे एक रेसलर है किंग नाम का, याद है आपको,
एक केन नाम का रेसलर है, सुना किसी ने? अरे अंडरटेकर का नाम सुना है? अंडरटेकर का सुना है, केन का नहीं सुना? चलो केन एक रेसलर है, तो एक बार केन क्या है, जैसे कोई डंडे पे ऐसे उल्टा लटका हुआ था, ऐसे लात इधर इधर लात इधर और ऐसे उल्टा लटका हुआ था, ये उल्टी हो गई, ठीक है, मॉडर्न आर्ट है, बंदा तो पच्ची के समझ आ रही है ना, तो केन ऐसे उल्टा लटका हुआ था किसी चीज पे, तो उसको एक मिस्त्री देख रहा था दूर से, एक मिस्त्री कहीं काम कर रहा होगा अपना चिनाई वाला, तो उसको देख रहा था दूर, तो सोचा भैया पहलवान इंसान है, कर रहा होगा कोई कसर, लेकिन अब क्या है, दो घंटे हो गए वो ऐसे ही लटका पड़ा है, भैया इतने में तो खून सारा शरीर आ जाएगा, मर जाएगा इंसान। तो उसने केन को कहा कि अरे केन, ए आर को क्या कह दिया, अरे अरे केन, अरे इसमें एक देखो मेरे को स्टोरी से एक चीज और याद आ रही है, इसमें एक शब्द और आता है, यहां लिखते हैं ओ डबल सी यू एल टी, क्यों स्टोरी से याद आ गया अपने आप, अरे केन ओ क्यों उल्टा लटका है, तो ये तो हो गया ओ, इसको अपने बना लिया क्यों, और यू एल टी को उल्टा, तो मिस्त्री ने केन को कहा भी अरे केन ओ क्यों उल्टा लटका है, ये उसका बोलना हुआ तो समझ लो साथ में एक बंदा और वो मिस्त्री भी लटक गया, ठीक है, इसके हाथ में अपने को दे देते करंटी से, तो साथ में आएगी, तो साथ में मिस्त्री भी लटक गया। अब इतने में जो लोग मिस्त्री ने जैसे पहले किसी और को भी कहा होगा यार वो लटका हुआ है, वो लटका हुआ है, तो और कहते हैं अपने क्या लेना देना पहलवान आदमी, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछ लिया था तो वो लटक गया। अब जो साथ लोग खड़े थे वो भी देख रहे थे, तो उन्होंने कहा यार इसके घर वालों को खबर दो, तो घर वालों को उसकी खबर पहुंचाई, तो जो उसकी बीवी थी उसने अपनी बेटी, उसकी बेटी का नाम मान लो नगमा, इसको अपने क्या बना रहे हैं, तो उसने अपनी बेटी को कहा कि ए नगमा, तो ये बन गया ए नगमा, तू जब जाके देख तेरे बापू उल्टा लटका हुआ है, तो वो गई, उसने जाके जैसे ही बोला कि ओ क्यों उल्टा लटका है, वो भी साथ साथ उल्टी बोले लगी, अब किसी की हिम्मत नहीं है, किसी को पूछ ले ओ क्यों उल्टा लटका है, चुपचाप सारे लोग एक पंडित के पास गए और पंडित जी कह रहे हैं कि कोई एसोटेरिक बताओ, ऐसी ट्रिक बताओ, और हमारी तो ये कहानी कुछ समझ ही नहीं आ रही, क्या हो गया ये, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ऐसी कोई ट्रिक बताओ जिससे ये कोई मिस्ट्री जो है हमारी समझ में आए, ठीक है। तो ये सारे वर्ड अल्टीमेटली क्या मतलब है इन सब का, ठीक है ना, चाहे पजल कह लो, चाहे अब आप जो मर्जी कह लो, एनिग्मा कह लो, रिडल कह लो, नेक्स्ट इज रीजुविनेट, ठीक है, रीजुविनेट का मतलब है किसी चीज में वापस से एनर्जी डाल देना, उसको दोबारा से अलाइव कर देना, दोबारा से उसमें जान डाल देना, एक इसको अपने ये भी कह सकते हैं कि जैसे अपने रिफ्रेश कर देना, रिफ्रेश कर देना, और इसको अपने रिविटलाइज भी कह सकते हैं, तो अपने जो रिवाइटल कैप्सूल आते हैं वो किसके लिए होते हैं, रिवाइटल लाइफ के लिए आते हैं, ठीक है ना, ताकि उस इंसान को दोबारा क्या करते हैं, तंदुरुस्त करते हैं, एनर्जी बढ़ते हैं, ताकत देते हैं, ठीक है, रिविटलाइज, रिजुविनेट को अपने ऐसा कह रहे हैं कि री यानी दोबारा, और जीवन को अपने क्या बनाया है, जीवन, दोबारा से किसी इंसान को जीवन में वापस ले आना, ये रिफ्रेश कर देना, री एनर्जाइज कर देना, ठीक है ना, किसी में दोबारा जान डाल देना, इसको अपने कह सकते हैं टू मेक समबडी मोर लाइवली, मोर लाइवली, लाइवली यानी जिंदा होता है,
ताकत एनर्जेटिक, लेकिन मोर लाइटली यानी और भी ज्यादा जिसमें स्फूर्ति हो, ताकत हो, जान आ जाए। ये दोनों के दोनों वर्ब है, दोनों के दोनों वर्ब की तो एक निशानी मान ही लो, ये पक्के वाली, जिस चीज के पीछे एट लगा है, जिस चीज के पीछे ये आइज लगा होता है ना, वो हमेशा ही वर्ब ही होते, हमेशा ही। ठीक है जी, कॉन्सिलिएट। हाँ जी, समझौता करना, करवाना, समझौता करवाना, यानी दो, इसको चाहे तो समझौता करवाना कह दो, चाहे ठंडा करना दो लोगों को, जो मामला गर्म हो रहा हो वो भी कह सकते हैं। तो अपने वो शब्द किए थे ना, शांत करने वाले, प्ले के प्ले से याद है, ये देखे नहीं, वो कैट से बच्चा प्ले करता है तो शांति आती है, फिर वो पेशेंट से प्ले करता है तो जाके शांति आती है, ये देखे नहीं, हाँ ये तो थे, तूने भी नहीं किया, अच्छा अच्छा तो शांत करने वाले वो, आप फिर उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, पहली दूसरी बार वीडियो फर्स्ट क्लियर है। तो इसका मतलब ये होता है, इसको मतलब शांत करना भी कह सकते हैं, समझौता, समझौता करते इसीलिए कराते हैं यार, लड़ो मत, शांत हो जाओ। तो इसकी स्टोरी याद है ना, क्या था, कॉन्सिलिएट, यहां भी आई है कॉन्सिलिएट, ठीक है, इसको दोबारा ये कॉन्सिलिएट, ठीक है, इसको अपने क्या कह रहे हैं, सिली, बर्फ वाली सिल्ली, एट यानी खाना, और कौन का मतलब ये वाला, कौन, हू वाला। तो इसकी स्टोरी ये है कि कभी कभी शादी के टाइम, जो शादी ब्याह का कुछ चीजें फंक्शन घर पे होता है, तो बर्फ की सिल्ली आती है, बर्फ मंगवाते हैं नहीं वो, अब होता क्या है, बीच में फंक्शन चल ही रहा होता है, वो कहते हैं बहू जी बर्फ पहुंची है, तो कह यार तू पहले मंगवा ले बर्फ, क्या भैया बर्फ तो हमने तो, जैसे जो मेन मिस्त्री होता है ना, तो मेन उनका फॉर्मैन होता है, फॉर्मैन तो क्या मैकेनिक ही हो गया, तो उनका हेड होता है ना, वो हमेशा वही आता है ना, भी क्या कहते हैं, भी बहुत फटाफट बर्फ मंगवाओ, तो कहते यार पहले ही बर्फ मंगवाई तो थी, तो कहते यार अब पता नहीं यार वो खत्म होगी, तो आप जैसे गए, इतने में क्या वो दोनों लड़ रहे हैं, लोग जो जिन दोनों को बर्फ चाहिए, जिन दोनों ने उनको कहा होगा, वो दोनों ही लड़ रहे हैं, तू बर्फ खा गया, तूने वहां फेंक दी, तूने इधर कर दी, तूने वैसे कर दी, दोनों लड़ रहे हैं, और उल्टा लोग जो चीज लेने के लिए खड़े हाथों में लेके वो देख रहे हैं, वो लड़ रहे हैं दोनों, तो वो जिसका फंक्शन है उसको तो बुरा लगेगा, तो उन दोनों कह रहा क्या दिक्कत होगी, क्या ये बर्फ खा गया, ये बर्फ खा गया, बर्फ चाहिए थी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो अपने का बाबा कोई कौन सिल्ली खा गया, यानी इतनी बड़ी बर्फ की सिल्ली लाए थे, कौन खा गया या कौन नहीं खा गया, शांत हो जाओ, बर्फ का ऑर्डर दे दिया, अभी आई है, उन दोनों को शांत करा दिया, ठीक है जी। तो कौन सिल्ली खा गया, इस चक्कर में लड़ो मत, चुपचाप और शांत हो, मेस्मराइज, बड़ा कॉमन वर्ड है, मेस्मराइज होता है, इसको ना ना इसका मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देना, ये वर्ब है, मंत्र मुग्ध कर देना, ठीक है ना, इसको अगर अपने कहें टू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन यू दैट यू कैन नॉट गिव योर अटेंशन टू एनीथिंग एल्स, या आप इसको सीधा कह सकते हो कि a situation in which you cannot give your attention to anything else, आप एक ही तरफ आपका ध्यान है, ठीक है, इसकी स्टोरी से और याद रखिएगा।
इसको क्या कह सकते हैं? मेस का मतलब जहां खाना होता है, ठीक है ना। एक मेस का मतलब हम लोग भी होता है, नोट मेस में, ठीक है। तो यहां मेस का मतलब खाना वाला मान रहे हैं, और इसको अपन कह रहे हैं मेरी, मेरी नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? मेरी। तो इमेजिन करो एक मेस है, एक खाना खाने वाली एक जगह है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए लगते हैं, जितना मर्जी खाओ। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये है कि वहां आपको खाना खाने के लिए सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे, जितना मर्जी खाओ। लेकिन एक दिक्कत और है, वहां पे उन्होंने एक लड़की रखी है, उसका नाम है मिस मैरी। क्या नाम है उसका? मिस मैरी का डांस भी चलेगा वहां पे। अब दिक्कत ये है कि अब डांस को देखो या खाना खाओ, और टाइम कितना आपके पास? और 90% केसेस में ऐसा होता है कि लोग ऐसे ही देख रहे होते हैं और टाइम बीत जाता है। चलो तो 15 मिनट है, तो बारह कह रहे थे यार 15 मिनट से मेरे को पता ही नहीं चला, खाना पड़ा था सामने, लेकिन तो इतना मंत्रमुग्ध हो गए कि उस मेस में जाने के बाद खाना खाना भूल ही गए, ठीक है जी। तो मिस मैरी और मेस के अंदर मिस मैरी है, इतना मंत्रमुग्ध कर देती है कि एक इसका ना और भी शब्द होता है एंथ्रॉल, एंथ्रॉल भी कहते हैं, एंथ्रॉल। ठीक है, इसको अपने ऐसा कह सकते हैं कि एंटर हॉल, ऐसा कह सकते हैं एंटर हॉल। तो इसको भी ऐसे बना दो, कई बार क्या है अगर आप सिनेमा में कभी गए जाते हो तो उसमें कई बार ऐसा होता है इतना सीन जबरदस्त चल रहा होता है, गेट खुलते ही गेट खुलने की वजह से एंटर करो, ऐसा सीन चल रहा होता है कि पता ही चलता सीन किधर है, वो पिक्चर कर भाई साहब आगे हो जाओ, नहीं खुलता है। तो क्योंकि इतना जबरदस्त सीन चल रहा होता है कि आपका दिल नहीं करता है देखने के लिए कौन सी साइड से उतरना है, किधर से जाना है। कई बार तो सीढ़ी से ऐसे हो जाता है, मतलब नीचे पांव होता है, क्योंकि आपका ध्यान क्या है उस एकदम से इतना मंत्रमुग्ध हो गया वहां कि आपको पता ही नहीं है हाल में एंटर करने के बाद किधर से जा रहे हो, किसके ऊपर पैर रख के जा रहे हो। एक बार ऐसे भी होता है ना, आपको उधर जाना है लेकिन आप इधर से ही जा रहे हो, जैसे जैसे देख लेते तो इस पर पैर रख के कुछ अरे देख ले अरे कोई बात नहीं, तो आप इतने क्या हो रहे हो मंत्रमुग्ध हो रहे हो। नेक्स्ट इज मोरोज। हाँ जी, दुखी भी, अनहैप्पी भी, ठीक है, जो खुश नहीं है, फिर वो चिड़चिड़ा भी हो गया, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव ही है, इसको अपन ने क्या बनाया था, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, तो वो क्या है मान लो क्या खाने नहीं थी तो अभी अलग बता दी लगता है, कौन सी वाली तो एक इसको भी कह सकते हैं कि एक आदमी है, एक बच्चा है, वो जो है वो कहीं से रोज लेके आता है, वो बड़ी उसको बहुत पसंद है रोज, लेकिन रोज ही इसको, एक तो इसको रोज का मतलब गुलाब मान रहे हैं और एक इसका मतलब डेली मान रहे हैं अपने, रोज यानी हिंदी वाला रोज डेली। तो इमेजिन करो एक लड़का है, वो उसको गुलाब बहुत पसंद है, तो वो तो रोज पैसे दे के कहीं से गुलाब लेके आता है, लेकिन एक मोर होता है वहां पे, मोर उड़ने वाला मोर, वो क्या करता है रोज ही उसका गुलाब लेके, अब जैसे उसके हाथ से गुलाब जाएगा उस टाइम की सिचुएशन क्या आएगी, दुखी होगा, पैसे ले गए और चिड़चिड़ा भी हो जाएगा, ठीक है ना, दुखी भी हो गया चिड़चिड़ा भी हो गया।
एक शब्द लिखो मर्क्यूरियल, ये भी एक एडजेक्टिव है, थोड़ी देर तो सांस लेगी। हाँ जी, मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल का मतलब होता है चेंजेबल। अपन एक शब्द रहा था शायद कैप्रिशियस, ये वैसा ही है चेंजेबल। तो जो चीज चेंज हो सकती है, अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी कभी चेंज हो जाए, ठीक है। देखो आई ए एल को अपने क्या कह सकते हैं, ऑयल कह सकते हैं आई ए एल को, और इसको अपने मरकरी कह सकते हैं। मरकरी कहां देखी है, जल्दी देखिए किस चीज में, थर्मोमीटर के अंदर मरकरी होता है, सुना है क्या? अब क्योंकि मरकरी क्या चीज है, केमिकल है, केमिकली होता है ना मरकरी। अब इमेजिन करो आपने अपने किसी दुश्मन को, कोई आपका दुश्मन आपसे ऑयल लेने आया था, रिफाइंड ऑयल मान लो खाने के लिए, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, उस ऑयल के अंदर क्या डाल दी, मरकरी, ताकि दिखे ही ना, मरकरी ऑयल में गुंजल रही है अपने आप। अब उस बंदे ने जैसे ही उसकी सब्जी खाई तो वो क्या है, शक्लें बदल रही है उसकी, कभी शक्ल बदल रही है, कभी उसके बाल बदल रहे हैं, कभी भाषा बदल रही है, तो वो बंदा क्या हो रहा है, चेंजेबल, उसका पता ही नहीं चलता, उसकी पर्सनैलिटी बदल रही है, कभी अपने आप को सलमान खान, कभी अपने आप को अजय देवगन, कभी अपने आप को कुछ, कभी उसका क्या बदल रहा है, तो क्या बन गया है पूरा का पूरा चेंजेबल। यानी ये नहीं पता कि अब इसका उसके साथ दूसरी बार मिलने जाएगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या हो चुका है वो। और ये कब हुआ, जब आपने मरकरी के अंदर क्या डाल दिया, ऑयल, ठीक है। वेरी सिंपल वर्ड, हॉर्न, हॉर्न यानी बोलो बोलो बोलो, कहते ना हॉन योर स्किल्स, इंप्रूव करना। ठीक है, और इसको वेट भी कह देते हैं कई बार, थोड़ी सी कैटेगरी अलग हो जाती है, लेकिन ये भी इंप्रूव करने जैसा ही है, डब्ल्यू एच ई टी, ठीक है। अब अपने इसको, इसको अपने वीट भी कह सकते हैं, वीट यानी गेहूं अनाज, और एक अपने इसको वेट भी कह सकते हैं, वेट यानी गीला, इसको अपने क्या कह सकते हैं, इसको हनी कह सकते हैं, एक तो इसको अपने कह देते हैं हनी, और एक अपने इसको कह देते हैं H1, इसको अपने H1 कह सकते हैं, ठीक है। इमेजिन करो भी आप जो है नंबर ठीक नहीं आ रहे, तो आपको आपको वो टीचर कह रहा है H1 का हनी खाना है जाके, कौन सी कंपनी का हनी खाना है, अगर आपने आपको इंप्रूव करना चाहते हो, कोई कंपनी का हनी नहीं खाना, डाबर, पतंजलि, कोई नहीं, कौन सा खाना है, H1 कंपनी का हनी खाना है, अगर तुम्हें दिमाग इंप्रूव करना, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी, और उसके साथ गेहूं को गीला करके, गेहूं को जैसे गेहूं को पानी डाल दे उसमें दानों में, उसके बाद उसको हनी में मिला के खा जा, तो उससे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हनी में गेहूं मिला के, और कौन सी कंपनी का हनी,
एक्चुअल्स। स्ट्राइडेंट भी कह सकते हैं, बॉयस्ट्रस भी कह सकते हैं, बोलो बोलो बोलो। तो इग्नेंट भी कहते हैं, हॉर्स भी कहते हैं, वोसीफेरस भी कहते हैं, और कैसे याद आ रहा है, इतना ही है क्या आपका कोई और बताए? हाँ जी, इन सबका मतलब ये है मेकिंग अ हार्श साउंड, लाउड साउंड, बहुत जोर जोर से जो बंदा चिल्लाता हो। नहीं नहीं, पेंडेमोनियम नाउन है, वो तो शोर शराबे को हो गया। ये एडजेक्टिव्स हैं, दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स, यानी इसको आप मान लो अगर आप कह दो कि एक स्ट्राइडेंट सिचुएशन, तो जिस सिचुएशन बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा हो, आवाजें आ रही हो, या अगर किसी इंसान के लिए कह देते हो कि बॉयस्ट्रस, तो बहुत ज्यादा क्या है, चीखना चिल्लाने वाला है, साउंड्स निकालने वाला, मेकिंग अ लाउड या हार्श साउंड, ऐसा कोई इंसान। ये स्टोरी अलग है, इसको अपने अलग बना देते हैं। जैसे इसको अपने क्या कह सकते हैं, हेमंत कह सकते हैं, और इसको अपने कह रहे हैं रे। तो इमेजिन करो एक लड़का है हेमंत, उसकी मम्मी है, उसके पापा, जैसे शाम को बच्चों को आवाजें लगाते हैं, उसके पापा हम जो आवाज लगाते हैं ना, वे हेमंत, इतनी जोर से आवाज लगाते हैं, इतनी जोर से लगाते हैं कि जिसके घर में बैठा होता है वो धड़कते की बात निकाल, तू जल्दी जाए, हम एक बार और नहीं सुन सकते ये, तो बस वो एक बार आवाज लगाती उसको बच्चा सामने होता, तो यहां में होता तो बार बार एक और बार आवाज ना, ठीक है, इतना लाउड और इतनी अजीब सी हार्श साउंड है, ठीक है। इसको अपने कह रहे हैं बॉयज, इसको बॉयज कह सकते हैं लड़के, और इसको अपने क्या कह रहे हैं, तेरस, जैसे तेरस चौदस ग्यारस बारस पूर्णिमा होता है ना, इसको अपने क्या कह रहे हैं। तो इमेजिन करो कि कुछ लड़के हैं जो हर तेरस को, हर तेरस वाले दिन पता नहीं इनको क्या हो जाता है और वो बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते हैं हर तेरस वाले दिन, ठीक है, तो वो अपनी जीप भी लेके लाउड उसमें टैक वैक चलाते हैं, शोर करते हैं, उस दिन खूब शोर मचाते हैं तेरस वाले दिन, तो कैसे उसी जीप में जा रहे थे और शोर भी कर रहे थे खुद, तो उनकी टक्कर हो गई एक हॉर्स के साथ। स्पेलिंग में फर्क है, देखो ये एच ओ ए है बस, उसकी टक्कर किससे हो गई, घोड़े के साथ, लेकिन उस घोड़े पे एक स्त्री भी बैठी थी, क्या बैठी थी, तो जैसे ही घोड़े के साथ टक्कर हुई तो पहले तो घोड़े की हार्श साउंड निकली, बहुत घोड़ा लग गया, जैसे गधा सीखता है वो घोड़ा बन गया, ऐसे जो जो सीने लग गया तो बाजियां लगी। उसके बाद वो जो स्त्री थी वो जैसे ही गिरी, स्त्री के क्या पड़ गया, स्त्री के डेंट पड़ गया, और स्त्री भी कैसे बोल रही है, अजीब सी बोल रही है, डेंट पड़ गया, मान लो कहीं शरीर में जैसे डेंट पड़ गया उससे साइड इफेक्ट आ गया, वो जो बोल रही है तो बहुत ही अजीब अजीब बोल रही है, बहुत ऊंचा और बहुत हार्श साउंड हो रही है। तो इन सबका मतलब यही है, एक अपना रह गया वोसीफेरस, वोसी को अपने एक बार वॉइस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, और इसको बना रहे हैं फेरों, फेरों यानी जो फेरे होते हैं शादी वाले, वही वाले फेरे, फेरों, ठीक है। सो इमेजिन करो एक आदमी है, उसके ऊपर कोई भूत बात कोई आत्मा लग गई उसके ऊपर, तो उस आत्मा ने उसको अपना मान लिया है, अब तू मेरा है, मैं तेरी, अब शादी नहीं करनी तुम्हें, देखो तो क्या है, वो घर वो लड़के ने कहा भी घर वालों को भी ऐसा, मेरे को ऐसा लगता है कोई अब कोई रोज मेरे को आके ऐसे करता है शाम को, उनको ऐसा लगता है, तो वो ये आवाज भी आती है भी शादी मत करना बेटा,
तो क्या वो घर वाले जरूर से पूछ नहीं होता देखिए वो रोगी खाली कैसे लगता होता है कि शादी हो जाए तो अच्छी बात है तो क्या है जैसे ही शादी होने लगी एग्जैक्टली फेरों के टाइम वो लड़का चीजों लगता जोर जोर से पागल हो गया चिन्ना लगता तो मैं वो नहीं करूंगी शादी बिल्कुल नहीं करूंगी जोर जोर से क्या हो गया वो सी फेरस और वो जैसे भूतरी की आवाज आती है ना बीच में से अलग से स्पेशल तो ऐसी आवाज उसमें से आ रही है तो लाउड भी है और हार्श भी है तो फेरों के टाइम अब ऐसा भी दो तीन बार हो गया है मतलब आज तीसरी चौथी बार उसकी शादी की ट्राई कर रहे हैं किसी मंदिर में लिखा के कहते मंदिर में भूतरी नहीं है तो मंदिर में भी आ रही है पंडित उठ के भाग जाता है आप ही करा लो मैं जा रहा हूं ठीक है जी बहुत सी फ्रेंड्स अभी टाइम देखना अपना भी बचा गया एक्टली बोले एक्जेक्टली बोले तो सोगे ठीक है एक अदर की और देख लेते हैं तो एक शब्द होता है सेंगवाइन सेंगवाइन ये एडजेक्टिव है सेंगवाइन का मतलब होता है चीयरफुल जो मतलब खुश है हैप्पी है इसको कभी कभी आशावादी भी कह देते हैं और वो खुश है खुश इंसान भी हमेशा आशावादी हो सकता है जो रो पीट रहा है वो कैसे आशावादी होगा खुश इंसान हमेशा ये नहीं चलती नहीं रोने वाला क्या कहेगा तो मैं ही रोए बैठे तो सेंगवाइन का मतलब चीयरफुल भी और ऑप्टिमिस्टिक टाइप का ठीक है अब अगर अपने इसको हिंदी में लिखें तो ऐसा लिखा जाएगा सेंगवाइन अब इसमें एक चीज काम किया है ठीक है और सेंग शब्द जो ये वाला सेंग है ये क्या चीज है गाना ही हो गया सिंग सेंग वाला तो ये गाना हो गया और ये क्या हो गया तो आप लोगों ने शादी में देखा होगा कि वाइन पी के वाइन का और गाने का बड़ा एक अच्छा सिस्टम है तो जब वाइन पी रखी होती लोगों ने और जब गाना कहते हैं वही लगाओ डिलीवर से यही होता है ये गाना अब हमने की रखी और यही गाना लगा और उस टाइम लोग क्या होते हैं ऐसे पूरे चीयरफुल होते हैं और उनको कोई बात कह दो ना यार भाई साहब तो उस टाइम दोनों जो मान लो दो तीन लोग या चार लोग जिन्होंने की रखी है गाने चल रहे हैं उसके बाद अगर उनकी कोई भी प्रॉब्लम है तो इतने ऑप्टिमिस्टिक होते हैं सब देख ही रहेगी या दे लेगा कुछ नहीं होता उस टाइम पूरे क्या हो जाते हैं तो ऑप्टिमिस्टिक और पूरे के पूरे चीयरफुल अब इसी शब्द से एक और शब्द बनता है सेंग्वाइनरी अब ये थोड़ा सा शब्द नेगेटिव है इसको आप कह सकते हैं ये एक इसको आप लिख लो इसका मतलब इसको कह सकते हैं इन्वॉल्विंग और लाइकिंग किलिंग एंड ब्लड इन्वॉल्विंग और लाइकिंग किलिंग एंड ब्लड तो ये भी एडजेक्टिव ही है इसका मतलब होता है ये कोई ऐसी चीज हो सकती है जैसे अगर हमने कह दें सेंग्वाइनरी स्टोरी तो इसका मतलब एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर क्या होगा कोई कोई ब्लड से रिलेटेड या किलिंग से रिलेटेड कोई बात है तो इमेजिन करो एक आदमी है जब वाइन भी रखी हो गाने चल रहे हो उस टाइम क्या होता है बहुत ठीक है इमेजिन करो उसको किसी नारी ने धोखा दिया हुआ है अगर उस टाइम कोई नारी आके किसी को रोक दे या पंगा कर दे तो वो उसी टाइम काट देता है उसी टाइम काट देगा तो अगर बीच में जब तक तो सेंग और वाइन ठीक है तब तक तो गाने बहुत बढ़िया चल रहे हैं अगर कोई नारी बीच में आई तो वो गई ठीक है उसने वहां ब्लड भी आ गया किलिंग भी आ गई सब